हेलो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, वो सारी चीजें अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक टू एडवांस अपनी कोर्स है जिसके अंदर पूरी चीजें कवर करने वाला हूँ, जो जिसकी ये प्लेलिस्ट रहने वाली है आपके सामने। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, पूरी बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल तक की पूरी पाइथन कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन सिंपली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक तो होता है इज और एक होता है इज नॉट। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आता है इज। इसका सिंपली यही मतलब है कि रिटर्न इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि आप जब इसमें, ये एक तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह ही है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू वाई, ये सेम कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह ही है, बस इसका अपन वहां पे इक्वल टू का यूज करते हैं, यहाँ पे इच का आप डायरेक्ट यूज करेंगे और उसके सिंपली ट्रू और फॉल्स वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपके सामने इज नॉट। इज नॉट क्या है, रिटर्न इफ बोथ वैल्यू आर नॉट सेम, यानी कि जब दो वैल्यू सेम नहीं होगी तो आप इज नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको, कोऑर्डिनेटर में चलते हैं। तो मैं अपना पाइथन आइडियली खोल लेता हूँ। ये मैंने पाइथन आइडियली खोल लिया, एक मैंने फाइल बनाई हुई सिंपली, तो यहाँ पे मैंने पिछली जो फाइल थी उसी में मैं कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अपन अब करने वाले हैं कि सिंपली आइडेंटिटी ऑपरेटर है क्या। तो इच का अपन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दो वेरिएबल बना लेना है, एक्स इक्वल टू 10 और मैं एक बना लेता हूँ वाई इक्वल टू, मैं बना लेता हूँ सपोज 15। ठीक है, अब अपन इच का यूज करेंगे। तो इच का कैसे अपन यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपली लिखना है प्रिंट, और सिंपली जैसे एक्स लेस देन वाई। ठीक है, उसके बाद अपन जैसे आप है ना, उसके बाद क्या करना है आपको, अब ऐसे भी कर सकते हो कह तो, या फिर आपको ऐसे लिखना है x स्पेस इज y, यानी कि सिंपली इसका मतलब है कि x और y दोनों बराबर है, बराबर है नहीं है, तो आपके सामने आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो मैं कंट्रोल s से सेव कर लेता हूं इसको, और उसके बाद सिंपली आपको यहां पे इस पर क्लिक करके रन कर लेना है। तो आपके सामने सिंपली आउटपुट आ गया फॉल्स, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसने इच का मतलब है कि ये सिंपली, मैं इसके सामने आपको ये बता देता हूं, देखो कोमा लगा के मैं एक और कंडीशन लगा लेता हूं आपके सामने, एक्स और इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे आप, और उसके बाद रन करके देखेंगे तो आपके सामने इसका भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। देखो, जो पहली कंडीशन लगाई उसका आउटपुट आया आपके सामने फॉल्स, आपने सेकेंड कंडीशन लगाई उसका आउटपुट भी क्या आया आपके सामने, फॉल्स। ठीक है, तो ये होता है सिंपली आइडेंटिटी ऑपरेटर इज। अब अपन नेक्स्ट की बात करेंगे इज नॉट। तो इज नॉट क्या करता है कि सेम, मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और आपके सामने दोनों चीजें अपन करके दिखाएंगे। यहां पे इज नॉट का सिंपली मतलब है कि नॉट इक्वल टू, तो मैं इज की जगह यहां पे लिखूंगा इज नॉट, और यहां पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद आपको इस फाइल को सेव कर देना है, और उसके बाद आप सिंपली रन कर देना है। अब देखो आपके सामने नीचे आया ट्रू, जबकि आप देख रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है, यानी कि x नॉट इक्वल टू y के बराबर है, तो एक स्टेटमेंट क्या हो गई, सही। तो इसका आउटपुट आ गया आपके सामने ट्रू, जबकि आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट कंडीशन, तो x नॉट इक्वल टू y ये कंडीशन भी सही है, तो इसका आउटपुट भी आपके सामने आ गया है ट्रू। ठीक है, तो ये होते हैं आपके सामने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इनका इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर, इनका क्या यूज है बिट वाइज ऑपरेटर का, सारी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।